नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आहिन पूजा। किसानन के खेत बुवाई खातिर तैयार हमा, पर खाद ना मिले से बुवाई नहीं हो पावत लागी। खादी पावे खातिर किसान 2 बजे रातिन से मंडी में डेरा जमाए हमा। खादी के कितनी किल्लत थी, एक अंदाजा अपना यही से लगाए सकी थे कि किसानन के साथ साथ उनकर बहनी महतारी सब ठंडे वहाँ लाइन लगी है, लेकिन दोपहर होए के बाद वो खादी नहीं मिल पाई। जौन समय वो खेतन में काम करा था, वो समय अब सोसाइटी के लाइनन में बितावल रहा। ऐसने में वो अपन खेती के काम कब करी ही? अपनों सुनी महिला और किसान भाई के का कहब है। कल्पना से 2 बजे कहाँ से आए हैं? खट्टा से। कौन सी खाद लेने आए? DAP। सुजन पांडे। कहाँ से आए हैं? खट्टा से। आ गए हैं 4 बजे लाइन में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ही 9वां दीक्षांत समारोह के जानकारी प्रेस वार्ता में दिन गए, जोने में ही बतावागा कि 6 दिसंबर का ही माननीय मंगू भाई पटेल के अध्यक्षता में ही आयोजित की जाये। ये समारोह में ही अलग अलग क्षेत्रन में बेहतरीन प्रदर्शन करे वाले छात्रन का सम्मानित की जाये। उन्हें जब रिटायर रजिस्ट्रार के साथ भय अभद्रता के बारे में पूछा गा, तब कहा गा कि यह समय ये मेरे के सवाल खातिर न आए। नहीं, जैसे देश के कुछ प्रख्यात लोग मानव गांधी के लिए इस बार कोई ऐसा नाम हम लोगों के सामने समय सीमा में नहीं आया, इसके कारण उसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा सका। आगामी समय में जब दीक्षांत होंगे, कोई आएगा, तब हम विचार करेंगे। सर, विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे छात्र होंगे जैसे अभी आप कह रहे थे कि देश के कोने कोने में नाम चला रहे हैं, तो लोगों को मानद उपाधि दे सकते हैं यदि कोई ऐसा अच्छा? नहीं, मानद उपाधि हम उसके कुछ मापदंड हैं, उनके बारे में तय होता है। और विश्वविद्यालय की जब कार्य परिषद या स्टैंडिंग की मीटिंग होती है, उसमें वो नाम आते हैं, उन नामों में से फिर विचार होता है, तब तय होता है। तो इस बार कोई ऐसे नाम आए नहीं। विद्यार्थी भी हो सकते हैं अपने, ऐसा जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी नहीं हो सकते, लेकिन वैसे नाम कोई अभी आए नहीं, इस कारण से उस पर विचार इस सत्र में नहीं हो पाया। चुनाव नजदीक आएंगे हम, और यह जानकारी मिली रीवा के अधिवक्ता संघ कार्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्रा के द्वारा पत्रकार वार्ता में ही। जोने वही बतावा का कि 6 और 7 दिसंबर का नामांकन दाखिल की जाये और 8 दिसंबर का आवेदन करैया अपन नाम वापस ले सका था। वहीं 17 दिसंबर का ही वोट पड़ी। देखी बैठक में ही अधिवक्ता चुनाव खातिर का कुछ जानकारी दी। मतदान का समय 11 से 5 बजे तक। ये मतगणना 18 से शुरू होगी? हाँ, मतगणना 18 को शुरू होगी। और 20 को प्रमाण पत्र? हाँ, 20 को प्रमाण पत्र। ये मतदान वही बैलेट के होगा? नहीं, मतदान बैलेट से पुरानी पद्धति से जैसा होता आया है वैसे है। कोई यहाँ EVS मशीन या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नामांकन कार्ड मिलने का अभी कुछ जानकारी मिली है कि अध्यक्ष द्वारा जो तदर्थ कमेटी कमेटी बनाई गई थी और निर्वाचन कमेटी बनाई गई थी, उसको रिजेक्ट करके तदर्थ समिति बनाई गई है, उसके माध्यम से चुनाव होना है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी आएगी तो जो सक्षम अधिकारी होंगे, सक्षम व्यक्ति होंगे, बीजेपी की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से काम होगा। जवा थाना के जनकहाई गांव माँ ब्रिज कुमार शुक्ला और उनके घर वालेन के साथ पड़ोस में रहे वाले श्रीकांत शुक्ला और उनके लड़का और मेहरिया और उनका पतो आए दिन उनके साथ मारपीट करा था और उनके घर वालेन का उठवावे के धमकी घला दे था। जौने के रिपोर्ट जवा थाना में दर्ज कराई गई रही, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं भय। यही से पड़ोसिन के हौसला बुलंद हमा, पीड़ित बहुत ही परेशान हो के पुलिस अधीक्षक से अपने जान माल के रक्षा खातिर गुहार लगाई थी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम, हमारा नाम ब्रिज कुमार शुक्ला है, हम ग्राम जनकहाई से। क्या घटना हुई? हमको मारे हैं। किन लोगों द्वारा मारपीट की गई? श्रीकांत, कमलेन, अतुल, सुजीत और एक उनके नाती। किस कारण से मारपीट की गई? मारपीट कुछ नहीं हुआ, घर में कोई विवाद हुआ, हम पानी लगा के आए, गोरुओं को ढील कर ले जा रहे थे, हमको पाए, खेत में खींच कर ले जा कर मारते हैं। हमारे साथ हमारे घर के कोई भी नहीं जान पाए, जब गुहार मची तब गए। और आस पास लोगों से मारपीट का दिन करते हैं क्या? हाँ, कई दफ़े हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, और थाने में भी हम लोग रिपोर्ट करने गए तो मेरे बच्चे को भगा दिए पुलिस वाले, बोले कि जाइए आप और जाके हमारे थाने में, हम उस दुकान में हमारे बच्चे को मारे घुस कर।
आई है, कौन से थाने क्षेत्र से और क्या घटना? जवा थाना क्षेत्र से आई हूँ। क्या घटना हुई? घटना हुई है कि मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे पापा काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं और उसी दौरान मेरे जो मतलब बगल के हैं घुस के उनके नाते और उनके लड़के घुस के छेड़खानी करते हैं हम लोगों के साथ जलील हरकत करते हैं और जिस जब कोई नहीं रहता है तो अंदर घुस के मारपीट भी करते हैं, जिस दौरान हमें और हमारी बहन को मारपीट भी हमारे मतलब हुई है साथ में उनके। किसी का ताल्लुक थाने में की? थाने में इसकी शिकायत की आप लोग की? जी, थाने में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि थाने वाले ये कहते हैं पुलिस वाले ये बोलते हैं हमें कि मतलब तुम लोग झूठ बोल रही हो, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही है, क्योंकि पुलिस स्वयं पैसा खा के वहाँ से मतलब उनकी तरफ से पैसा खाई हुई है, हर वक्त बात होती रहती है। रीमा के आनंद नगर में ही इस समय असामाजिक लोगन के अड्डा बना हवे। वार्ड नंबर 8 के रहवासियों के कहा है कि इन लोगन के आतंक इतना हवे कि सांझ के 7 बजे के बाद से बहिन मिठियन और शरीफ लोगन के निकरब मुहाल है भाई। लोगन के यहाँ तक कहा है कि मोहल्ला में ही गाजा और कोरिक्स बेची जाती है, यही से सांझ ही होता है यहाँ लफंगा जुहाई लागत हमा। अपना का बताई कि बीती रात में ही पदम प्रकाश और पदम विभूषण के घर 12-15 जने सकाने और परिवार के साथ मारपीट करे। मोहल्ला के लोग ये घटना से इतना डरान हवा कि काल का ये घटना उन्हों के साथ हो सकत ही बे। यही के लाने उस सामूहिक तौर पर थाना में FIR दर्ज करवाएं और शासन से कार्रवाई के मांग करें। साथ में यह कहें कि अगर कार्रवाई में देर भय तो अनशन कीन जाए। सुनिए अपनाओ के पीड़ित और मोहल्ला के लोग का बतावल लाख हमा। भाई साहब, यहाँ पूरा आतंक छाया हुआ है, यहाँ रात में माने 7 बजे से निकलना मुश्किल है। कौन सा ये वार्ड नंबर 8 है, आनंद नगर मोहल्ले का नाम है, यहाँ निकलना लोगों का मुश्किल है। यहाँ पूरे रोड में आपको 7 बजे आप आइए तो दिख जाएंगे किस तरह की माने घर से माने बच्चियों का निकलना मुश्किल है। और ये अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं किया तो मजबूर होकर यहाँ की पब्लिक फिर दूसरे तरीके से अपना वो करेगी। ये पुलिस की व्यवस्था है कि माने यहाँ गश्त करे और यहाँ चौकी की स्थापना करे। घटना यहाँ पे क्या हुई? घटना यहाँ किसी के घर में, इनके शुक्ला जी के घर में घुस के 20-25 लोगों ने अटैक किया, उनको मारा पीटा, उनकी फैमिली को मारा पीटा, उनका सर फट गया और बेचारे एडमिट हैं। कितने लोग घायल हैं? घायलों के नाम बताएं। अरे घायलों के नाम हमको नहीं मालूम है, 3-4 लोग हैं इसी मोहल्ले के हैं, लेकिन इनके सब पुलिस उनकी जानकारी हो गई है पुलिस को और पुलिस शायद कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हम लोग मोहल्ले वालों को भय व्याप्त है कि भाई आज इनके घर में हुआ कल किसी और के घर में हो सकता है, तो इसकी कौन जवाबदारी लेता है? ये प्रशासन को देखना चाहिए ना कि एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाने के बाद पुलिस आती है उसको उठा लेगी तो उससे क्या होगा। यहाँ पूरे माने उनको रात में गश्त करना चाहिए। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में।